हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी विद सी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत जो L1 और L2 के शिक्षक हैं, उसके अलावा जो सीनियर टीचर हैं उनके टैब का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और उनको टैब किस तरह फिलअप करना है उस पर अपन चर्चा करेंगे और आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे। तो हमारे साथ में जुड़े रहिए। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी सर्वप्रथम आपको मिल सके। तो यहाँ पर देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत जो अध्यापक L1 और L2 के हैं, उसके अलावा जो सीनियर टीचर है उनके फॉर्म फिलअप जो टैब का है वो 1 सितंबर से 11 सितंबर के मध्य आपको फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पर सीधा आपको सलाद अपन ओपन कर देना है, स्टाफ लॉगिन से लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अप्लाई पे क्लिक करना है, यहाँ पर टैब 2023 पार्ट पर इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपका प्रोफाइल ओपन हो जाता है जिसमें टीचर का नाम आ जाए है, एम्प्लॉय आईडी मिल जाती है, आपका विद्यालय का नाम, कार्मिक की NIC आईडी मिल जाती है, मोबाइल नंबर मिल जाता है, कार्मिक की पोस्ट मिल जाती है, उसके बाद में मूल विषय मिल जाता है। उसके बाद में आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए 3 भाग के अंतर्गत फॉर्म को कंप्लीट करना है। सर्वप्रथम पार्ट फर्स्ट ओपन करना है जिसके अंतर्गत जनवरी 2023 से जून 2023 के मध्य आपको फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पर आपको अपनी कक्षा मिल जाती है और आपको कौन से सब्जेक्ट आवंटित की गई है वो मिल जाती है। यहाँ पर अगर आपकी सब्जेक्ट शो नहीं हो रही है तो पहले विद्यालय लॉगिन के माध्यम से आपको सब्जेक्ट मैपिंग कर देनी है। उसके बाद में अपने को आगे बढ़ना है। यहाँ पर आपकी भौतिक उपस्थिति शो करनी है कि आप विगत 6 माह के अंतर्गत विद्यालय में कितने दिन है जो आप प्रेजेंट रहे हैं। परसेंटेज के रूप में आप 81 से ऊपर परसेंटेज है, 60 से 80 या 60 से कम, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको फिजिकल उपस्थिति मांग रहा है, तो आप अगर जैसे लंबे अवकाश पर कोई कार्मिक है तो वो 60% से कम सेलेक्ट कर सकता है, वरना आपको अगर 81 से ऊपर ही करना है। अगर आपका किसी अन्य विभाग के अंतर्गत संस्था के अंदर प्रतिनियुक्ति हुई है तो आपको यस कर देना है, अन्यथा आपको नो करना है। उसके बाद में आगे बढ़ना है। यहाँ पर आपको इसके अंतर्गत आपको रैंकिंग दर्ज करनी है। रैंकिंग के अंतर्गत अगर आप 1 से 5 के मध्य दर्ज कर सकते हैं, 1 सबसे कम है और 5 उत्कृष्ट है, आपको इन सारे के अंतर्गत जैसे मूल और नैतिकता है मूल के संबंध में, उसके बाद में यहाँ पर पेशेवर ज्ञान और समझ के संबंध में है, व्यावसायिक अभ्यास और योग्यता के संबंध में है, आपको इन सारे टॉपिकों को पढ़ना है और अपने हिसाब से आपको 1, 2, 3, 4, 5 के अकॉर्डिंग है जो रैंकिंग दर्ज कर देनी है। रैंकिंग दर्ज करने के बाद में आगे बढ़ना है। यहाँ पर 4 पे रैंकिंग दर्ज कर दी है तो यहाँ पर ग्रेडिंग ऑटोमेटिक शो हो जाती है। यहाँ पर देख पा रहे हैं ग्रेडिंग शो होने के बाद में आपको विशेष ध्यान रखना है, नोट्स आपको मिल जाता है कि आपको फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार चेक कर देना है, उसके बाद में फाइनल सबमिट करें और फाइनल लॉक होने के बाद में आप इसमें अपडेशन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको समग्र कार्य है, इनके अंतर्गत आपको नियंत्रण अधिकारी के द्वारा कॉलम में लघु चयन करना है, तो आपको यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग है जो एक पॉइंट को है जो आपको सेलेक्ट कर देना है। और उसके बाद में नियंत्रण अधिकारी का यहाँ पर नाम दर्ज करना है, मोबाइल नंबर दर्ज करना है, फिर उसके बाद में सेव करना है। यहाँ पर नियंत्रण अधिकारी कौन है तो वो आपको इसमें ध्यान रखना है, जैसे कि PO विद्यालय है तो उसके अंतर्गत जो कार्यरत शिक्षक है उनके लिए PO नियंत्रण अधिकारी है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो ऐसे विद्यालय हैं जो PO विद्यालय नहीं है तो उनके लिए जो उस विद्यालय का जो प्रधानाचार्य प्रिंसिपल है वो इसके लिए एलिजिबल है, वो नियंत्रण अधिकारी होगा। उसके अलावा जो शहरी क्षेत्र में कार्यरत स्कूल है उनके लिए जो प्राथमिक उस प्राथमिक है उस माध्यमिक विद्यालय में जो शिक्षक कार्यरत हैं या संस्था प्रधान कार्यरत हैं उनके लिए जो UCO है वो उनका नियंत्रण अधिकारी है। उसके बाद में ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत जो ऐसे विद्यालय हैं जो PO विद्यालय हैं उनके जो प्रिंसिपल हैं उनका नियंत्रण अधिकारी है जो CBO है। उसके अलावा जो शहरी क्षेत्र के अंतर्गत संचालित विद्यालय हैं जिनमें प्रधानाचार्य है तो UCO है, CRC है, तो उनके लिए भी CBO नियंत्रण अधिकारी है, तो आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका डाटा सेव हो जाता है तो उसके बाद में यहाँ पर क्लोज करना है और यहाँ पर भाग 2 ओपन हो जाता है। इसके अंतर्गत आपको यहाँ पर चुनौतियाँ हैं, आपके सामने कोई 3 चुनौतियों को सेलेक्ट करना है, उनको आपको यहाँ पर घटते क्रम में वरीयता देनी है। 1, 2, 3 के अंतर्गत सबसे बड़ी है तो 1 देना है, उससे छोटी है 2 और सबसे छोटी है तो आपको 3 दर्ज करना है। उसके अलावा इस क्षेत्र के अंतर्गत आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो वो भी घटते क्रम में आपको प्रशिक्षण है उसको आपको सेलेक्ट करना है, यानी 3 को सेलेक्ट करना है। जैसे आप 3 कोई चुनौती सेलेक्ट कर देते हैं तो उसके बाद में बाकी सारे ब्लैंक हो जाते हैं, तो आपको 3 ही को सेलेक्ट करना है। उसके अलावा अगर आपने शैक्षिक गतिविधियों में भाग लिया तो आपको यहाँ पर यह सेलेक्ट करना है और उसके बाद में आपको आगे बढ़ना है। इनके अंतर्गत आप अगर किसी के अंतर्गत आपका योगदान है, आपने एक्टिविटी की है, तो आपको ये टिक करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर सबमिट के टैब पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपका डाटा सेव हो जाता है और अपना तीसरा ऑप्शन है जो ओपन हो जाता है भाग 3। इसके अंतर्गत आपको ट्रेनिंग दर्ज करनी है। ट्रेनिंग में आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो 1 जनवरी 2023 से 30 जून 2023 के मध्य जो भी ट्रेनिंग आपने ली है वो यहाँ पर दर्ज करना है। यहाँ पर आपको ट्रेनिंग कार्यशाला को सिलेक्ट करना है कि आपने इनमें से किस तरह की कार्यशाला की है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपकी कार्यशाला कब शुरू हुई वो सिलेक्ट करना है, कितने दिन तक चले यहाँ पर दिनों की संख्या दर्ज करनी है और आपकी उसमें क्या भूमिका थी, तो आपको यहाँ पर कोड के अंतर्गत सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1, 2, 3, 4 के अंतर्गत आप इस कोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर फर्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो आप शिक्षक हैं, सेकंड को सिलेक्ट करते हैं तो आप HM हैं, थर्ड को आप प्रशिक्षक और 4 के अंतर्गत सामग्री निर्माण करता आता है, तो आप इनमें से किस भूमिका में आपने ट्रेनिंग ली है वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपका मुख्य बिंदु क्या था वो यहाँ पर दर्ज करना है।
और उसके बाद में आयोजनकर्ता कौन है, ट्रेनिंग किसके द्वारा करवाई गई है वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे भी कोड सेलेक्ट करना है, इसके अंतर्गत आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जैसे कि डेट के द्वारा है तो एक करना है, समग्र शिक्षा के अंदर दो, और SIRP करवा रही है तो आपको तीन, और गैर शैक्षणिक संस्था करवा रही है तो आपको चार दर्ज करना है। उसके बाद में प्रशिक्षण की क्या उपयोगिता है, क्या गुणवत्ता है, उसके अंदर ग्रेडिंग देनी है तो आप इनमें से ग्रेडिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद में सेव करना है, उसके बाद में एक से ज़्यादा है तो आप आगे भी इसमें कर सकते हैं। अगर आपने कंप्यूटर कोर्स किया है उसकी ट्रेनिंग लिए तो आपको येस करना है, वरना आपको नो कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको इन पॉइंटों के अंतर्गत आपको रैंकिंग दर्ज करनी है 1 to 5 के अकॉर्डिंग। जैसे 1 दर्ज करते हैं तो सबसे कम है, और 5 दर्ज कर सकते हैं तो आपको उत्कृष्ट माना जाएगा। तो आपको इनमें से रैंकिंग दर्ज करनी है अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद में आपको डाटा सबमिट कर देना है एक बार। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो अपने तीन भाग कंप्लीट किए हैं, इन तीनों के अपने फॉर्म कंप्लीट फिलअप हो चुके हैं। अब अपने को फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करने से पहले आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, एक बार जो आपने तीन भाग कंप्लीट किए हैं उनको एक बार चेक कर लें। चेक करने के बाद में ही आप इसको फाइनल लॉक करना होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगेगा। टैब के संबंधित किसी भी तरह का आपका क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें।